चुप्पी कविता का भाग 17। चुप्पी बेबसी है, रोते सिसकते सो गए बच्चे की, जिसके गाल पर अभी तक बने हैं सूख गए आंसू के निशान, जिसे अरे मेरा लाल कहकर किसी ने गोद में नहीं उठाया, न पुचकारा किसी ने न सीने से लगाया। कल यही बच्चा खाना खाने के लिए स्कूल जाएगा, जहां भूख से जूझता गुरुजी इसके लिए खाना बनाएगा, फिर कौन किसे पढ़ाएगा, फिर कौन किसे पढ़ाएगा। चुप्पी 18। चुप्पी वेदना है, आंखों में ही सूख गए आंसुओं की, किसी नितांत अपने के न रहने पर जब न मिला किसी अपने का कंधा, सिसक सिसक कर फूट फूट कर रोने के लिए। यहाँ किसके पास किसके लिए कंधा है, यहाँ जिंदगी महाभारत है, मौत गिनती है, कानून अंधा है। चुप्पी 19। चुप्पी अपराध है, अपराध को होते हुए देखकर अनदेखा करने का, मुंह घुमा लेने का, चुप रह जाने का कायरतापूर्ण अपराध, खोद लेना बहाने कर्तव्यों के विभाजन के, प्रतिज्ञाओं के, व्यवस्थाओं के, क्षमताओं के, हानि के, लाभ के, स्वार्थपरता के, राजनीतिक प्रतिबद्धता के, रणनीति के, और न जाने किस किस के। चुप्पी 20। बहुआयामी होता है चुप्पी का अपराध, उसका बोध और दंड दिखता है चरित्र की श्वेत चादर पर बदनुमा दाग की तरह, सालता है साल दर साल गुमचोट की तरह, चुपता है आंख में गिरी किरकिरी की तरह। विचित्र होता है ऐसे अपराधों का दंड विधान, बहुत बार उन्हें भी मिलता है और बहुत बार उन्हें ही मिलता है, जो न रचते हैं न करते हैं न होते हुए देखते हैं। नंगी की जाती है द्रौपदी होते हुए देखते हैं, भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण मारे जाते हैं धर्म युद्ध में 20 लाख सैनिक। गिराई जाती है बाबरी मस्जिद देखते रहते हैं नरसिंह राव कल्याण सिंह अटल अडवाणी, मारे जाते हैं हजार हजार लोग, इतिहास कभी माफ नहीं करता ऐसे चुप्पीधारी सफेद पोश अपराधियों को। चुप्पी 21। चेहरे पर स्थायी रूप से चिपकी कुटिल मुस्कानों के साथ चुप्पी शोभा है राजनयिकों की, वे चुपचाप गढ़ते रहते हैं भस्मासुर किसी दूसरे के सर पर हाथ रखने के लिए, और खुश होते रहते हैं तब तक जब तक कोई भस्मासुर उनके अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हाथ नहीं रख देता। चुप्पी 22। बोलना और चुप्पी दोनों एक दूसरे के विकल्प हैं और पूरक भी, पर दोनों मिलाकर भी पूरे नहीं होते, खासकर तब जब नक्कारों की आवाज में हों बुश व सद्दाम जैसे लोग, तब जनता का बोलना और चुप्पी दोनों ही निरर्थक होते हैं। तब जनता तलाशती है अपने लिए नया माध्यम, तब शब्द नहीं चुप्पी नहीं जूता बोलता है।